दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। शुक्रवार और शनिवार इस हफ्ते यानी आज और जो कल बीता दिन है बड़े महत्वपूर्ण रहे। घटनाएं बहुत तेजी से दर्ज हुई किसान आंदोलन के संदर्भ में। देश के प्रधानमंत्री, अब तक उनके मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो लोग किसान आंदोलन के बारे में तमाम तरह की बातें करते आ रहे थे, सड़क से लेकर और अपनी सभाओं में, रैलियों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, टेलीविजन चैनलों की बहसों में। लेकिन कल प्रधानमंत्री जी ने एक शासकीय स्तर पर, सरकारी स्तर पर ऑर्गेनाइज किए गए एक बड़े इवेंट में पूरे किसान आंदोलन को इवेंट मैनेजमेंट का एक नमूना बता दिया। शासकीय स्तर पर जो इवेंट हुआ उसमें दूसरे एक किसानों के मोबिलाइजेशन को एक बड़ा जो उनका संगठनात्मक एक काम है, आंदोलन है, उसको ही उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट बता दिया। और यही नहीं, उन्होंने प्रकारांतर से किसान आंदोलन को राजनीति प्रेरित, देश के हितों के खिलाफ, इकॉनमी के खिलाफ, न जाने क्या क्या कह दिया। और दिलचस्प बात यह है कि जब वो किसानों से बात कर रहे थे अपने इवेंट में जो शासकीय स्तर पर ऑर्गेनाइज किया गया था, तो उनसे बार बार एक सवाल वो करते थे, कई किसानों से किया उन्होंने, कि जो जमीन आपने कॉन्ट्रैक्ट पर दी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जहां हो रही है, तो क्या जो पैदावार आपकी होती है उसके बाद वो जमीन भी कंपनियां ले लेंगी, कंपनियां ले रही हैं? तो लोग बोलते थे नहीं, क्योंकि सरकारी स्तर पर जो ऑर्गेनाइज किया गया है, जाहिर है सरकार की ही भाषा बोलेंगे लोग, सरकार के अफसर जैसा सिखाएंगे वैसा बोलेंगे। और ये कोई नहीं कह रहा है कि अभी तत्काल कोई जमीन ले रहा हो, ये भी कहीं से आरोप नहीं आ रहा है, लेकिन निकट भविष्य में क्या होगा ये कौन जानता है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कंपनियों की तरफ से क्यों बोल रहे थे। एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इस देश के प्रधानमंत्री को कंपनियों के बचाव में बोलना चाहिए? कंपनियां भविष्य में क्या कर सकती हैं ये तो कोई नहीं जानता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी कभी नहीं कहा कि वो राज करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस दौर में अगर देखा जाए भारतीय इतिहास के, तो कैसे आई, किस तरह से लोगों से मिली, कैसे राजाओं से मिली यहां के, और फिर उसने क्या किया ये हम सब जानते हैं। तो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के एक प्रमुख को क्या कंपनियों के बिहाफ पे बोलने की कोई जरूरत थी? लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने बोला, और डंके की चोट पर उन्होंने बोला, सबके सामने बोला, देश के टेलीविजन चैनलों ने भी दिखाया। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है इस किसान आंदोलन के बारे में कि क्या हमारी सरकार जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है जनता के द्वारा, क्या वो जनता के ही एक हिस्से को राजनीति प्रेरित बता दे रही है? वो बता दे रही है कि वो देश के विरुद्ध है, वो इकॉनमी के विरुद्ध है? ये जो पहलू है मैं समझता हूं कि बहुत हैरतंगेज है। और दोस्तों आज दो बड़ी घटनाएं जो दर्ज हुई हैं वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। पहली तो ये घटना है कि अब तक 3-4 दिनों से ऐसा लगता था कि सरकार ने किसानों के पाले में बाल डाल दी है कि भाई आप तय करो, हमने तो कह दिया है कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। लेटरबाजी काफी हुई कृषि मंत्री के जरिए, लेकिन आज किसानों ने उसका जो जबरदस्त जवाब दिया उससे मुझे लगता है कि अब सरकार जो है उसके पाले में बाल है, वो अब क्या करेगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बात करने को तैयार हैं आपसे, अगर आप इन 3 कानूनों पर विचार करने को तैयार हैं, इनकी वापसी के लिए, इनको निरस्त करने के लिए, इनको वापस लेने के लिए बेशक बात होनी चाहिए, और ये जो बात होनी चाहिए वो क्या, कैसे होगी, क्या कॉन्क्रीट इश्यूज होंगे ये आप डिफाइन कीजिए, और 29 तारीख को 11 बजे सुबह हम बात करने को तैयार हैं, इसी 29 दिसंबर को। तो उन्होंने एक तरह से सरकार को अब रिस्पॉन्ड करने के लिए एक तरह से मजबूर कर दिया है, जो अब तक सरकार चाहती थी
कि वो किसानों को मजबूर कर दें कि वो अपनी बात कहें। दूसरी बात कि आज एक और पार्टी आरएलपी राजस्थान की, भले ही वो छोटी पार्टी है, यकीनन छोटी पार्टी है, उसके नेता भी कई बार राजनीतिक तौर पे जो कदम उठाते हैं वो बड़े अविश्वसनीय किस्म के हो जाते हैं, बहुत ही संदिग्ध हो जाते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो ये बेनीवाल साहब की पार्टी ने, हनुमान बेनीवाल साहब की आरएलपी ने समर्थन वापस ही नहीं लिया है, बल्कि एनडीए से अपने को अलग कर लिया है। एनडीए से अपने को अलग करने वाली आरएलपी दूसरी पार्टी बन गई है शिरोमणि अकाली दल के बाद। तो यह एक नई परिघटना है। नई परिघटना मैं इसलिए कह रहा हूं कि शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना एलआई हुआ करता था, और उसका जब अलगाव हुआ हाल के दिनों में किसान आंदोलन की आंच में, तो किसी को भरोसा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो आगे क्या क्या होगा कोई नहीं जानता। अब आरएलपी के हनुमान बेनीवाल किसानों का जत्था लेकर दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो घटनाएं हैं बहुत ही दिलचस्प, और इनका क्या नतीजा निकलेगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता था आज, कि ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री जी ने कल जो बहुत सारी बातें कही थी शुक्रवार को, उसमें केरल का उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने बंगाल का दिया, केरल का दिया, फिर विपक्षी पार्टियों की चर्चा की नाम लिए बगैर। उनका इशारा तीन पार्टियों पर ज्यादा था, एक तो कांग्रेस पर था, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पर था, और लेफ्ट पार्टीज पर था। उनका मानना था कि ये लोग जो है ये इस आंदोलन के पीछे हैं। अब सवाल इस बात का है कि एक ऐसा आंदोलन बरसों बरस बाद, जिसमें कि बिल्कुल नॉन पार्टी आंदोलन है, जिसमें पार्टी जो है वो नेतृत्व में कहीं नहीं है, पूरी तरह किसान इसकी अगुवाई कर रहे हैं, और वो भी पूरी तरह डेमोक्रेटिक ढंग से। इसके पहले जो किसान आंदोलन कई बार हमने देखा दिल्ली में, कूच किया किसानों ने, दिल्ली मार्च किया, तो उसमें होता यह था कि टिकैत साहब नेता हुआ करते थे और वो जो चाहते थे वही फैसला हो जाता था। लोग धरना प्रदर्शन करते थे, अचानक वो बोट क्लब से चले जाते थे, ऐसा भी हुआ है। लेकिन इस आंदोलन ने किसानों के अंदर लोकतांत्रिक कामकाज की शैली को जिस तरह स्थापित किया है, हर एक फैसला जिस तरह डेमोक्रेटिक तरीके से कमेटी के लोगों द्वारा एक एक आदमी के कंसल्टेशन से हो रहा है, ऐसा किसान आंदोलन बरसों बरस नहीं देखा गया। लेकिन इस किसान आंदोलन के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे सवाल उठा दिए। सवाल यह है कि किसान आंदोलन पर सवाल उठाने से पहले सरकार ये क्यों नहीं सोचती कि उसने स्टेक होल्डर से बात किए बगैर लोकतंत्र को एक तरह से कमजोर किया उनकी सरकार ने, और ये कानून ला दिया। ऐसा होता नहीं है। कानून को पास करने से पहले कम से कम कंसल्टेशन होना चाहिए था, और उसमें किसान एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर था, उसको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। यही तो शिकायत है किसानों की। लेकिन अब जो सवालात उठाए प्रधानमंत्री जी ने कल, उसमें केरल का उदाहरण दिया कि वहां तो एमएसपी नहीं है, वहां तो मंडी नहीं है। लेकिन केरल में अभी हाल में नवंबर के में लागू हो गया, सरकार ने 16 जो वहां के उत्पाद हैं, खासकर फल सब्जी और इस तरह की चीजें, उनके दाम फिक्स किए हुए हैं। यानी वहां पर जो बेस प्राइस है, बेस प्राइसेस यानी आधार मूल्य, वो निर्धारित किया जा चुका है। केरल एकमात्र राज्य है पूरे देश में जिसने इस तरह का कदम उठाया। और दोस्तों, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि केरल गेहूं चावल जिस तरह से पैदा होता है दूसरे और सूबों में, पंजाब में, हरियाणा में, या इवन उत्तर प्रदेश बिहार में, वैसा खाद्यान्न यानी जो 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 खाने पीने का जो मेन दलहन तेलहन चीजें हैं, इन चीजों का उत्पादन वहां उस तरह से नहीं होता है जिससे कि मंडियों में ले जाकर के बेचा जा सके या काफी। लेकिन जितना भी होता है उसको सरकार वहां खरीदती है, सरकार खरीद बड़े पैमाने पर करती है। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रधानमंत्री की जो कल की सभा थी, ऐसा लगता है कि उनके जो सलाहकार या उनके जो स्पीच राइटर्स हैं, उन्होंने केरल के बारे में जो पूरी जानकारी है वो उतनी पुख्ता ढंग से प्रधानमंत्री जी को नहीं दी थी। आज अपनी बात मैं खत्म कर रहा हूं ये कहकर
कि ये पूरा का पूरा जो मामला है, जो किसान आंदोलन जिस गतिरोध का शिकार है, उसमें एक बात देखने की है कि अगर लोकतांत्रिक ढंग से कोई प्रतिरोध, कोई आंदोलन, कोई आवाज उठाया जा रहा है किसी भी समाज के तबके द्वारा, अगर उसको डेमोक्रेटिकली एड्रेस नहीं करती है सरकार, जो डेमोक्रेसी पर टिकी हुई है, जो डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक तरीके से जो निर्वाचित है, तो इससे जनता के अंदर असंतोष बढ़ता है और उसके नतीजे कई बार बहुत खराब होते हैं समाजों में, कई देशों में ऐसा देखा जा चुका है। इसलिए मुझे लगता है कि ये पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए बहुत जरूरी है कि किसान आंदोलन जो शांतिपूर्ण आंदोलन है, जो लोकतांत्रिक आंदोलन है और जिसकी मांगे किसान समुदाय के आर्थिक ही नहीं बल्कि उनके पूरे वजूद के लिए बहुत महत्वपूर्ण आज हो गई है। एग्रेरियन रिफॉर्म्स के नाम पर जो चीजें उन पर लादी गई हैं, दरअसल वो चीजें विनाश की तरफ ले जाती हैं पूरी एग्रेरियन इकॉनमी को। ऐसे में सोच समझकर, सुचिंतित होकर आंदोलन का 31वां दिन है आज, इस पर सरकार को ठोस फैसला जल्दी से जल्दी करना चाहिए। इन सर्द रातों में इतने लंबे दिनों तक आंदोलन को चलाए रखना बहुत बड़ी बात है और सरकार का इस तरह से निष्क्रिय रहना, इस तरह से बयानबाजी करना, उसके खिलाफ दुष्प्रचार करना, ये एक हैरतअंगेज बात है। इन्हीं शब्दों के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।